कि नीतीश सरकार ने जो गुंडागर्दी किया है, नीतीश सरकार ने जो कोरी समाज को अपमानित करने का काम किया, 12% कोरी समाज का जनसंख्या है उसको मात्र 4% कर दिया, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है उसको भी 2-3% कर दिया। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चुनाव आते आते नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। एक तरफ चुनाव की तैयारी है तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मची है और नीतीश कुमार को बड़े बड़े नेता जो कभी नीतीश कुमार का समर्थन करते थे, जो नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करते थे, वो नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वैसे में एक और बिहार के बड़े नेता जो कोरी समाज से आते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है और बड़ा धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस वक्त जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाया उसको लेकर बवाल हो रहा है, तमाम अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारी संख्या को जानबूझकर सरकार ने घटा कर दिखाया है और सरकार पर आरोप मढ़ी जा रही है। इससे पहले आपको पता ही है कि किस तरीके से सरकार पर आरोप लगे कि सरकार जानबूझकर ये जनगणना करवाया और उसमें इस तरीके से धांधली की गई और जानबूझकर सरकार ने हमें कम किया है। अलग अलग नेता अलग अलग समय पर सरकार पर ऐसी आरोप लगाते आ रहे हैं, तो अब कोरी समाज के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोला है, जनगणना को लेकर सवाल उठाया है और वैसे में बड़ा धरना प्रदर्शन का ऐलान करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उन्हें सुनिए। कल 30 नवंबर को बेतिया आने पर 250-300 लोगों ने मालाओं से स्वागत किया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने साफ साफ कहा है कि नीतीश सरकार ने जो गुंडागर्दी किया है, नीतीश सरकार ने जो कोरी समाज को अपमानित करने का काम किया, 12% कोरी समाज का जनसंख्या है उसको मात्र 4% कर दिया, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है उसको भी 2-3% कर दिया, कलाल जाति जो मुसलमान है उसको भी हिंदू में काउंट कर दिया, ये साबित करता है कि नीतीश सरकार में कहीं जातीय जनगणना हुआ नहीं। मैं करीब 1.5 महीना से लगातार मैं पटना नहीं गया हूं, अपने परिवार से नहीं मिला हूं, समाज के खातिर 1.5 महीना से लगातार प्रखंड वाइज गांव-गांव का दौरा मैं कर रहा हूं और सभी जगहों पर जबरदस्त जोश खरोश है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है और नीतीश सरकार के प्रति काफी नफरत की भावना है क्योंकि नीतीश कुमार ने कोरी समाज की एक तरह से राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। इसलिए मैं तमाम लोग का आह्वान करना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2025 को कोरी आक्रोश महारैली जो पटना गांधी मैदान में होना है, लाठी पार्टी के साथ जुटे ताकि नीतीश सरकार को एहसास हो जाए कि कोरी का जनसंख्या 4% नहीं 12% है और हमारा अंतिम ऐलान है इस बात का कि कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है क्योंकि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए पब्लिक डिमांड है कोरी समाज का मुख्यमंत्री बनना, हमारा अंतिम लक्ष्य है कोरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना। इसलिए पूरे बिहार के तमाम कोरी समाज के लोग खास करके युवा वर्ग जोश खरोश के साथ जुटे और 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान को पाट दे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी हाँ, सुना आपने, 25 फरवरी को वो तारीख होंगे जब कोरी समाज के लोग पटना
पहुंचेंगे, गांधी मैदान पहुंचेंगे और साफ तौर पे यहाँ पर नेताजी जो हैं वो लोगों को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारी संख्या में पहुंचे और नीतीश कुमार को अपना ताकत दिखाए, अपना हुजूम जो है वो दिखाए, ताकि नीतीश कुमार को ये समझ में आ जाए कि वो भले ही हमारे संख्या को कम करके दिखाए हों लेकिन हमारा संख्या कहीं से भी कम नहीं है। इसको लेकर जोरदार तैयारी चल रही है ताकि 25 फरवरी का जो कार्यक्रम है कोरी समाज का वो पूरा किया जा सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेड मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700।